नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनटीवी। मैं हूं आपके साथ शबनम। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र परेड करने वाले घटना को लेकर पूरा देश गुस्से में है। गुस्साई भीड़ ने गुरुवार को महिलाओं के साथ दरिंदगी करने वाले एक मुख्य आरोपी हीरादास सिंह का घर फूंक दिया। इसके साथ ही उसके परिवार को भी प्रताड़ित किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये घटना मणिपुर के थाउबल जिले के नोंगपोक्सेक माई इलाके की बताई जा रही है। इससे पहले गुरुवार को पीड़िता को घसीटने वाले व्यक्ति सहित तो चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बुधवार सामने आई 26 सेकंड के इस वीडियो में गिरफ्तार आरोपियों में से एक को केंगपोकपी जिले में से भीड़ को सक्रिय रूप से निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। इस आरोपी की पहचान 32 वर्षीय हीरादास सिंह के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए अन्य तीन आरोपियों की पहचान तत्काल पता नहीं चल पाई है। वायरल वीडियो पर पुलिस ने कल रात कहा था कि अज्ञात हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ थाउबल जिले के नोंगपोक्सेक माई थाने में अपहरण, सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में रात भर चली छापेमारी के बाद एक आरोपी हीरादास सिंह को थाउबल जिले से गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा आरोप है कि भीड़ ने दोनों आदिवासी महिलाओं को छोड़ने से पहले उनका कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया था। इसी घटनाक्रम में ग्रामीणों ने आरोपी हीरादास सिंह के मकान को आग लगा दी और इसके परिवार को भी प्रताड़ित किया। एक दिन पहले मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने घटना को अमानवीय करार दिया और कहा कि अपराधियों को मृत्युदंड मिलना चाहिए। घटना की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने इसे मानवता के प्रति अपराध बताया और कहा कि उनकी सरकार इस असभ्य अपराध पर चुप नहीं बैठ सकती। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो देखते ही उन्होंने साइबर अपराध विभाग के इसका वेरिफिकेशन करने को कहा और अपराधियों को पकड़ने के लिए अधिकारियों को व्यापक स्तर पर तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसके तहत अलग अलग समुदायों के विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों, धार्मिक नेताओं से बातचीत की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम लंबे समय से साथ रहते आए हैं और भविष्य में भी साथ रहेंगे। समुदायों के बीच की गलतफहमी दूर की जा सकती है और बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सकता है ताकि हम फिर से शांतिपूर्ण तरीके से साथ रह सकें। मेईतेई समुदाय के प्रभावशाली संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी ने भी एक बयान जारी करके कहा कि वे मणिपुर के सुदूर गांव में दिन दहाड़े दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की असभ्य हिंसक घटना की कटु आलोचना करते हैं। बयान में कहा गया कि आरोपियों को ढूंढ निकालने का हर प्रयास कर रहे हैं, फिर चाहे वे किसी भी कोने में हो। बयान में कहा गया कि वीडियो क्लिप को लेकर पूरी मेईतेई समुदाय शर्मिंदा और गुस्से में है। COCOMI इस पर यकीन रखता है कि इस असभ्य घटना में शामिल लोगों को मेईतेई समुदाय किसी रूप में नहीं बख्शेगा और अपराध में शामिल सभी लोगों को समुचित दंड दिया जाएगा।